नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं स्पीकिंग गर्ल्स चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक बहुत ही संजीदा नज़्म जो है, जिसका नाम है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। वो इस प्रकार है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है, बोल की जां अब तक तेरी है। देख कि आहन घर की दुकान में, देख कि आहन घर की दुकान में, तुंद है शौले सुर्ख है आहन, तुंद है शौले सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मों जिस्म और जबां की मौत से पहले, ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म और जबां की मौत के पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। मतलब जब जुबान हमारी है, जब हमारे लब आज़ाद हैं कहने को, तो फिर हम बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? वो हिम्मत जुटाओ। अगर आप किसी इनजस्टिस को, किसी अन्याय को झेल रहे हैं या देखकर चुप हो रहे हैं, जहां आप बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, वहां अगर आप चुप हैं, तो आप भी उतने ही बड़े अपराधी हैं जितना बड़ा अपराधी उस अपराध को करने वाला है। इसलिए अपराध को हम छुपाते रहे, दबाते रहे, तभी करप्शन, भ्रष्टाचार, व्यभिचार सब कुछ बढ़ता रहा और हम चुपचाप बैठ के सहन करते रहे, जब तक कि हमारे घर तक आँच नहीं आई या हमारे बच्चों पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। और अब ये हाई टाइम है, अब ये जो है नाक तक पानी आ चुका है, पूरे समाज में एक दहशत फैली हुई है इन अलग अलग तरह के अपराधों की वजह से, और अब भी अगर हम नहीं बोलेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अभी आप बोलिए, अपराधों को सहन मत करिए, अन्याय को सहन मत करिए, आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है तो कोई रास्ता निकालिए, बोलिए और इस अन्याय को ख़त्म करने में साथ आकर मिलकर चलिए। धन्यवाद। अपने घरों का इंतज़ार मत करिए कि आपके घर के साथ, आपके घर वालों के साथ कुछ होगा तब आप बोलेंगे, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही देश जलता रहेगा, ऐसे ही इंसानियत जलती रहेगी। धन्यवाद।